क्या बात है, किसने सोचा था कि मैं फैसल जावेद साहब के साथ जो है वो इस्लामाबाद देख पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इस्लामाबाद नहीं देखा। इस्लामाबाद तो ज़रूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि इस्लामाबाद दुनिया के ब्यूटीफुल कैपिटल सिटीज में से एक है, और यहाँ का जो सब्जा है, हरियाली है, दरख्त हैं, ग्रीनरी जो है वो असल में है। अच्छा, ये वाली जगह कौन सी है, ये जो पहाड़ है सारे? ये तो सैदपुर विलेज है। ओके। और ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको कहते हैं शालीमार क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट खेली आपने यहाँ पे? ओ, बहुत ज्यादा। क्या होते थे आप, बॉलर होते थे, बैट्समैन होते थे? कुछ वो रेलू कट्टा टाइप भी प्लेयर होते थे, सारा कुछ ही। लेकिन ये है कि बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, ऑफ स्पिनर, ये ऑफ स्पिनर कोशिश करता था। स्पिन मेरे सामने तो होती थी, लेकिन बैट्समैन जब छक्के मारता था लगता स्पिन नहीं हो रही। मगर ज्यादा आपका जो जोर होता था वो कमेंट्री पे होता था। हाँ, क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट पे बोलना। ज़्यादा रेडियो पे बहुत अरसा कमेंट्री की, और रेडियो कमेंट्री बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं, आपको वो कुछ उनको बताना है कि वो ऐसे फील करें जैसे वो देख रहे हैं। yes, और वो फिर पूरा एक्शन, रेडियो कमेंट्री में टाइम कम होता है, आपको पूरा एक्शन बताना पड़ता है कि अभी क्या हो रहा है। चले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? आप वो मैच याद है शारजा वाला, जिसमें जावेद मियांदाद को आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे और उन्होंने छक्का मारा था, और शर्मा जो है वो बॉलिंग करा रहे थे, और सामने तौसीफ अहमद थे और कमेंट्री पे थे इफ्तिखार अहमद। कर सकते हैं? अब मैं अपने अंदाज में करूंगा, और रेडियो वाली तो आपने कैमरे की तरफ देख के बस बोलना शुरू करना। 1 2 3 गो। मैच की आखिरी गेंद, चेतन शर्मा ने भागना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, और ये बहुत बड़ा छक्का, पाकिस्तान ये मैच जीत गया। क्या बात है जी। ओके, लवली। आपके साथ रैपिड फायर राउंड जो है वो शुरू करने वाली हूँ। आपने बिल्कुल एक एक लफ्ज का जवाब देना है मुझे बगैर सोचे समझे। ड्रामा अर्तुगरुल पाकिस्तान में अगर बने तो इसमें अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान किसको होना चाहिए? अर्तुगरुल तो हुमायूं सईद को होना चाहिए। ओके, और हलीमा सुल्तान? ऑप्शन दूं आपको? हाँ, ऑप्शन दे दे। सज्जल हो सकती हैं या महविश हयात हो सकती हैं? मेरा ख्याल है महविश हयात। ओके, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो अगर रिप्रोड्यूस हुआ तो आप खुद बनाना चाहेंगे? धूप के नारे, आंच या निजात? धूप के नारे। ओके, अच्छा, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, शेख रशीद साहब या बिलावल भुट्टो? बिलावल की बातों पे तो वैसे ही हंसी आ जाती है। हाँ। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर जाहिर है शेख रशीद, कैसे वो जुमले लेकर आते हैं। किसकी एक्टिंग के आप फैन हैं, फैसल कुरैशी, अली जफर या शान? फैसल कुरैशी। इनमें से किसकी फिल्म सबसे पहले देखने जाएंगे, माया अली, माहिरा खान या महविश हयात? माया अली। माया अली, ओके। किसकी ड्रेसिंग सेंस से आप इंस्पायर हैं, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर या अबरारुल हक? हमाद। ओके, इनमें से कौन ज्यादा स्टाइलिश है आपके हिसाब से, हिना रबानी खैर, जरताज गुल या शर्मिला फारूकी? स्टाइलिश तो मेरा ख्याल है हिना रबानी खैर। ओके, अगर आप किसी फिल्म के हीरो हैं और आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है तो इनमें से किसको हीरोइन कास्ट करना होगा, मीरा, मतीरा या हरीम शाह? मीरा। ओके, मीरा जी, इस्लामाबाद से कराची की ट्रेन टिकट बुक कर ली है आपने, इनमें से किसी एक के साथ सीट शेयर करनी है, किसके साथ करेंगे? हुज़ द लकी वन? ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान या कायम अली शाह? कायम अली शाह। जहाज डूब रहा है और एक लाइफ जैकेट आपके पास बची है, इनमें से किसको देंगे, आमिर लियाकत, हुमायूं सईद या हमजा अली बासी? हुमायूं को देंगे। Since you've also been an anchor, I wanted to do a breaking news style for the people I mentioned. मैं जिनके नाम आपको बताऊंगी उनके बारे में आपने एक सनसनी खबर देनी है, ये आपका कैमरा है इसमें देख के, ठीक है? सबसे पहले जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन एक बार फिर इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, एक बार फिर अब वो अहल हो गए। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, देखें आप हमारा ही चैनल। क्या बात है, सईद गनी। सईद गनी साहब, सईद गनी ने बिलाकर सच बोल दिया, पता नहीं कैसे बोला लेकिन बोल दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हमारा चैनल आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि सईद गनी ने सच बोल दिया, मुराद अली शाह की यादाश्त वापस आ गई। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि मुराद अली शाह, उनकी यादाश्त नाजरीन वापस आ गई है। इस पे तफसील जानने के लिए, लेकिन तफसील से पहले ब्रेकिंग न्यूज। असद उमर, असद उमर को किसी ने कह दिया कि वो सिर्फ 4 फुट के हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि असद उमर की हाइट को 4 फुट करार दे दिया गया है, इससे ज्यादा। मुराद सईद ने स्लो बोलना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ कि मुराद सईद ने अपनी रवानी में थोड़ा सा, उसमें तसलसल को थोड़ा सा कम कर दिया। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़। फैसल जावेद, फैसल जावेद रीजनेबल बोलने लग गए, ब्रेकिंग न्यूज। कमाल ही हो गया। क्या बात है, आई लव योर स्पिरिट। मुझे शो खत्म नहीं करना, कहीं बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं।
रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि अगर कोविड ना आया होता तो अप्रैल मई तक ये हुकूमत गिर चुकी होती। ये तो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। हाँ, कि इनकी जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जो इन्हीं की ख्वाहिश है, ये सारे जो इक्तदार में रहे हैं और अभी वफात परस्त टोला जो इकट्ठा हुआ हुआ है, ये इनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि जो हो ये तो कोरोना आ गया, वरना हमने तो बड़ी तहरीक चला देनी थी। ओके, एक सवाल आप कर सकते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट इन लोगों से, क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब, ये बताइएगा कि ये आप किस तरह से कर लेते हैं कि पूरा शरीफ खानदान जो है अरबों रुपए की बाहर जदादे बनाते हैं जब जब आप इक्तदार में आते हैं, इसका क्या नुस्खा क्या है? बिलावल भुट्टो। बिलावल, आप ये बताइए कि ये कैसे हो जाता है कि जब बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा होता है? मरियम नवाज साहिबा, ये बताइएगा कि ये कैसे हो जाता है कि लंदन में क्या पाकिस्तान में भी आपकी कोई जायदाद नहीं होती? फैसल वाडा, क्या आप तैयार हैं वो स्टेमिना दिखाने के लिए जो कप्तान का स्टेमिना है, जिस तरह से आप इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं अपोजिशन के ऊपर? कमर जमान कायरा, बड़ी मेहनत की आपने पीपल्स पार्टी में, लेकिन फिर भी भुट्टो जरदारी खानदान जो है वो वही सियासत कर रहे हैं कि अपने ही बच्चों को लीडर कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि इतने सीनियर हो के आप इतने जूनियर, और वो जो ख़ानदानी सियासत की एक रवायत चली आ रही है उसके अंदर कैसा लग रहा है काम करके? ओके, अब मैं आपसे आपको मौका दूंगी एंकर्स से सवाल करने का, क्योंकि वो हमेशा आपको सवाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब, ये बताइए कि आपको जब एक सवाल का जवाब मिल भी जाता है लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती जो जवाब आप चाह रहे होते हैं कि आप दें, लेकिन वो दूसरा नहीं देता, फिर भी आप सवाल करते रहते हैं, कैसे कर लेते हैं? काशिफ अब्बासी साहब, जब आप कैमरे से इशारे कर रहे होते हैं और हमें सब नज़र आ रहा होता है, आपका ध्यान कहीं और होता है या कोई आपको टीज कर रहा होता है, तो कैसा लगता है? वसीम बदामी से एक ही सवाल है कि रमज़ान ट्रांसमिशन हो, क्रिकेट की ट्रांसमिशन हो, आपके पॉलिटिकल टॉक शोज हो, 24 घंटे काम, कैसे कर लेते हैं? सलीम साफ़ी, सलाम अलैकुम, जो जिरगा संग रवान दे। हामिद मीर। मीर साहब, अरसा हो गया, आप सेट तो चेंज कर लें। ओहो, मुबशर लुकमान। टेक अ ब्रेक, बट सवाल कोई करेंगे मुबशर लुकमान सर? मुबशर लुकमान भाई, शुड वी टेक अ ब्रेक? बट वी शुड टेक अ ब्रेक। यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और आपने जो नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है वो बताएंगे नहीं हम लोगों को, विल कीप इट एज अ सरप्राइज। ओके, लेट्स गो। जी, तो ये था सरप्राइज, और ये सरप्राइज सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं था, मेरे लिए भी था। क्या है ये सरप्राइज? ये पनाहगाह है, शेल्टर होम्स। हाँ? और यहाँ वो मजदूर लोग जो दूर दराज से यहाँ शहरों में अब मजदूरी करने आते हैं। हाँ? तो उनके पास इससे पहले ना कोई छत थी, ना कोई खाने का। तो ये हमारी हुकूमत इमरान खान साहब को एहसास इन लोगों का कि अब ये एक अच्छी जगह। और मैं आता रहता हूँ यहाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उनकी तमाम तर ज़रूरियात जो है वो पूरी करती है। यहाँ पे खाना है, यहाँ पे नाश्ता है, यहाँ पर ये मेडिकल फर्स्ट एड है, रूम है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे इनकी अकोमोडेशन, यानी कि ये यहाँ वक्त गुजारते हैं, हंसते, स्लीप है, आराम करते हैं। जी हाँ, बेड्स लगे हुए हैं, लोग आराम करते हैं सारे। क्या बात? एक ये हम तो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत में ये जो लोग हैं ये हमारे VVIPs। वाह, क्या बात है, हर कोई यही चाहता है कि उसको VIP ट्रीटमेंट मिले, हर इंसान यही चाहता है। ये टाइगर फोर्स है जी, इनका पैशन, जज्बा देखें, वॉलंटियरली लगे रहे हैं आप लोग, सारा कर रहे हैं खुद से। इंशाल्लाह आप पे बहुत फख्र है, वज़ीर आज़म इमरान खान को आप सब पे बहुत फख्र है, माशाल्लाह, कीप इट अप। तो जी आगे चलते हैं जी। यहाँ पे खाना चल रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे।
आज आपके साथ दिन गुजारा, बहुत कुछ जाना आपके बारे में, आपकी विजन के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में. इन पर्सन आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन एंड आई होप यू स्टे द सेम. विश यू गुड लक एंड योर टीम. थैंक यू जी, बहुत आपको मजा आया प्रोग्राम करके, बहुत जबरदस्त. और फिजा थैंक यू वेरी मच, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. होस्ट के साथ इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है. हाँ, इस काबिल आपने समझा. लेकिन ये है कि यहाँ आके तो हमेशा जब भी यहाँ आते हैं बहुत खुशी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी दाद देते हैं हम कि बड़ी बहुत ही अच्छे खुलूस के साथ ये. क्या बात है. नाज़रीन, आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने आज शो देखा. आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक दें, ना भी पसंद आया तो भी फीडबैक दें. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी. जैसे आज शो में हमने बात की है कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना ही ज़िंदगी जीना है, तो हमें दीजिए इजाज़त. मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड एक नए शो के साथ, एक नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नई जगह पर, कौन जानता है. अल्लाह हाफ़िज़.